नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथमर। इस वक्त की खबरों की शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि अलगाववादी हुर्रियत नेता मसरत आलम की गिरफ्तारी हो चुकी है। पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाले मसरत आलम को मुफ्ती सरकार ने गिरफ्तार किया। कल मसरत को नजरबंद किया गया था। मसरत ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए थे और इसके अलावा आपको बता दें कि सैयद अली शाह गिलानी और 6 और हुर्रियत नेता इस वक्त नजरबंद है। त्राल में आज मसरत आलम की अगुवाई में रैली होनी थी, हुर्रियत नेताओं को इसमें शिरकत करनी थी, लेकिन इस रैली पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। त्राल जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है और इस वक्त मसरत आलम जिस जेल में बंद है शहीदगंज की, वहां पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बीजेपी नेता राम माधव डिप्टी सीएम निर्मल सिंह से मुलाकात करेंगे, साथ ही सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद से भी मुलाकात कर सकते हैं राम माधव। जम्मू के लिए रवाना हो चुके हैं राम माधव और वहां पर डिप्टी सीएम और सीएम से मुलाकात करेंगे। मसरत आलम पर आरोप था कि फर्जी मुठभेड़ के विरोध में उसने रैली का आयोजन किया था जिसमें पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए थे, पाकिस्तान के झंडे लहराए गए थे और उसके बाद इसका विरोध हुआ था बीजेपी की ओर से और साथ ही तमाम दूसरी विपक्षी पार्टियों की ओर से भी। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी से बात की हमारे संवाददाता ने, सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। मसरत आलम को गिरफ्तार कर लिया गया, हमारे साथ बात करने के लिए MOS माइनॉरिटी अफेयर्स मुख्तार अब्बास नकवी साहब मौजूद हैं। नकवी साहब, बहुत देर लगी अरेस्ट करने में, क्या कोई मजबूरी थी? नहीं, बिल्कुल देर नहीं लगी। देखिए, एक बात बहुत साफ है, उन ताकतों को अच्छी तरह समझना होगा कि जो भी हमारे देश के खिलाफ या इंसानियत के खिलाफ शैतानी हरकतें करना चाहते हैं या आतंकी हरकतें करना चाहते हैं, भारत जो है वो किसी भी तरह से किसी भी रूप में तालिबानी तांडव की ज़मीन नहीं बन सकता। और अगर वो चाहते हैं और वो समझते हैं कि वो अपनी शैतानी हरकतों के माध्यम से, या उनके आका ये समझते हैं कि वो अपनी शैतानी हरकतों के माध्यम से भारत को वो अपनी तालिबानी तांडव और अपने तालिबानी और आतंकवादी गतिविधियों का की ज़मीन बनाने की कोशिश करेंगे तो वो कभी भी सफल नहीं होंगे। नकवी साहब, बीजेपी के दबाव में वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत देर में रिएक्ट किया, आपको लगता है बीजेपी ने जब प्रेशर बनाया उसके बाद गिरफ्तार किया, वो कुछ कार्रवाई नहीं? देखिए, एक बात हमें समझने की ज़रूरत है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस देश के लोगों की एक आवाज़ है। वो आवाज़ है कि देश को और देश में किसी भी रूप में किसी भी रंग में आतंकवाद को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, आतंकवाद से किसी तरह का समझौता नहीं होगा। इस बात को कोई भी सरकार हो उसे समझना होगा, कोई भी पार्टी हो उसे समझना होगा। बीजेपी के दबाव के चलते हुआ ना ये कार्रवाई? नहीं, हमारा तो बहुत स्पष्ट मत है कि आतंकवाद और अलगाववाद के प्रति बिल्कुल जीरो टॉलरेंस। ये तो मुफ्ती मोहम्मद सरकार जो वहाँ PDP की सरकार के साथ आपकी सरकार पार्टी सरकार चला रही है, तो आपको लगता है कि आपने कड़ा मैसेज उनको दिया है और आगे से ऐसा अगर होगा तो क्या अलग हो सकता? हमारी सरकार वहाँ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत चल रही है और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ये चीज़ें स्पष्ट हैं कि अलगाववाद और आतंकवाद से कोई समझौता नहीं। गिलानी साहब भी वहाँ मौजूद थे, उनको नज़रबंद किया गया, लेकिन वो भी पाकिस्तान समर्थक रहे हैं, झंडे फहराए जाते हैं, नारेबाजी की जाती है, आपको लगता है उनको भी अरेस्ट करना चाहिए? देखिए, जो कानून है कानून अपना काम करेगा और देश के खिलाफ कोई भी अपनी आतंकवादी हरकतें तालिबानी हरकतें करने की कोशिश करेगा तो निश्चित तौर से कानून उसे माफ़ नहीं करेगा। आखिरी सवाल, बीजेपी के लिए दिक्कत है आइडियोलॉजिकली, जिस ढंग से सरकार बनने के बाद बार बार मुफ्ती मोहम्मद सईद का स्टैंड रहा है, उनके बयान आते रहे, इसके अंदर स्पष्टता ना हो उसको दिक्कत होती है। हमारे अंदर बहुत क्लियरिटी है, बहुत स्पष्टता है और जहाँ तक देश के सम्मान, देश के स्वाभिमान और देश की सुरक्षा का सवाल है, उससे कोई समझौता नहीं। कैमरामैन राकेश के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ये कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में उनकी सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत चल रही है जिसमें ये स्पष्ट है कि अलगाववाद और आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए अब सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता जितेंद्र सिंह जी, हाँ ये बात करते हैं। जितेंद्र जी, जिस तरह से पूरा ये मामला उठा, मसरत आलम को आप गिरफ्तार कर लिया, आपको लगता है कि देरी हुई, ये रैली होनी नहीं देनी चाहिए थी? एक तरीके से मुफ्ती सरकार जो है वो सख्त कदम नहीं उठा रही है सेपरेटिस्ट के खिलाफ? नहीं, देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है और हमारे संगठन का नेतृत्व है केंद्र में भी प्रदेश में भी, हमारी नीति बड़ी स्पष्ट है, हमारा स्टैंड मौके इन विषयों को लेकर के
सदा कंसिस्टेंट रहा, स्पष्ट रहा। जब हम विरोधी दल के रूप में थे केंद्र में, प्रदेश में, तब भी था, आज भी है। आतंकवाद को लेकर के, अलगाववाद को लेकर के कोई समझौता नहीं है, और जहां पर भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं उसका उचित संज्ञान लेना हमारा दायित्व भी है, हम वचनबद्ध हैं। और चूंकि ये गठबंधन सरकार है, और निश्चय ही हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं कि अनेकों ऐसे सिद्धांतिक विषय हैं जिनमें मतभेद है, परंतु ये गठबंधन हुआ है न्यूनतम कार्यक्रम को लेकर के प्रशासन गवर्नेंस के हेतु, और इसलिए एग्रीइंग टू डिसएग्री का नियम का पालन करते हुए इन सिद्धांतिक विषयों को अलग रख करके हम अपने आप को प्रशासन तक ही सीमित रखें, तो ये दोनों दलों के हित में। क्या अग्रीइंग टू डिसएग्री में नेशनल सिक्योरिटी भी आता है, कॉम्प्रोमाइज ऑन नेशनल सिक्योरिटी भी आता है? क्या सेपरेटिस्ट के साथ नर्म रवैया भी आता है? निश्चय ही नहीं आता, और ना मालूम आपको किसने ये कह दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस संगठन से जन्मी है जिसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राणों के बलिदान दिए थे। जम्मू कश्मीर के विषय को लेकर के, जम्मू कश्मीर की भूमि पर हमारे लिए पाप है कहना कि हमने उन सिद्धांतों पर किसी प्रकार का। सर, आपकी सरकार ने मसरत आलम को रिहा किया, मसरत आलम के ऊपर 27 केसेस थे, कोई भी चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, कोई भी केस प्रूव नहीं किए गए। यदि आप अपनी स्मरण शक्ति पर थोड़ा सा बल देंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि उस समय भी केंद्रीय गृह मंत्री जी ने बड़े स्पष्ट तौर पर हमारी स्थिति स्पष्ट कर दी थी, केंद्र सरकार की भी और संगठन की भी। और आज भी ये सरकार जिस प्रकार का फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया था उसका पालन करते हुए प्रशासन देने के लिए बनी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बलिदान से समझौता करने के लिए नहीं बनी। अलगाववादी नेता मसरत आलम की अगुवाई में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की गई, तो वहीं पाकिस्तान ने बेशर्मी की भी सारी हदें पार कर दी हैं। पाकिस्तान सरकार ने बयान जारी कर अलगाववादियों की हरकत का समर्थन किया है। अब सवाल यही है कि पाकिस्तान भारत के आंतरिक मामलों में दखलअंदाजी से कब बाज आएगा? मेरी जान, मेरी जान। पाकिस्तान, पाकिस्तान। का क्या पैगाम? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तेरा मेरा क्या अरमान? पाकिस्तान, पाकिस्तान। हिंदुस्तान की शान फौज के जवानों के दिल की कसक उठती होगी कि आखिर क्यों 1948 के कबायली हमले में इस्लामाबाद तक नहीं चढ़ गए। कसक उठती होगी कि आखिर क्यों दिल्ली के संकेत पर पाकिस्तानियों को खदेड़ते हुए नियंत्रण रेखा पर ही ठहर गए। जब जब आतंक और अलगाव के समर्थन में पाकिस्तान की बेशर्म आवाज आती है, तब तब हिंदुस्तान की भुजाएं फड़कती है, सवाल उठते हैं क्यों न इस बदजुबानी को अंतिम लगाम दे। It is regrettable that India chose to use excessive force against peaceful